बातें हैं सलमान खान की पर्सनल कोरियोग्राफर से, जो उन्हें सिखाती हैं ढेर सारे टिप्स। जय हो और अब ट्यूबलाइट जैसी फिल्मों में कोरियोग्राफ कर चुकी सबीना खान अपने आप में बेहद टैलेंटेड हैं। सलमान खान के सभी गानों को वो बहुत अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ करती हैं। साथ ही अब बॉलीवुड में उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हमारे रिपोर्टर नेहा ने खास मुलाकात की सबीना खान से और जाना कि कैसा है उनका अब तक का एक्सपीरियंस। हमारे साथ बहुत ही स्पेशल पर्सन है जिन्होंने सलमान के ऑलमोस्ट लेटेस्ट ट्रैक को कोरियोग्राफ किया। मैं बात कर रही हूँ सबीना खान का। वेलकम टू चैनल मैन। हाय। जिन्होंने हाल ही में ट्यूबलाइट का हिट सॉन्ग नाच मेरी जान, सो ये इस सॉन्ग को आपने कोरियोग्राफ किया। हाउ वाज द जर्नी ओवरऑल? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी। और जब कोई चीज़ ऑडियंस बहुत पसंद करती है तो वो जर्नी और भी खूबसूरत हो जाती है। तो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। शुरुआत से कबीर सर की पहली बार जब मीटिंग हुई तब से अब तक की जर्नी बहुत खूबसूरत रही, बहुत ब्यूटीफुल। सलमान को कोरियोग्राफ करना इट्स नॉट इजी, बट आपने उनके कांस्टेंट कोरियोग्राफर रहे, सो क्या कितनी लकी फील करते हैं आप अपने आप को? बहुत लकी, आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन, बिकॉज इससे बढ़कर क्या होगा कि एक तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ अभी भी। उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है कि आप कुछ उनके लिए करें और आपके स्टेप पे वो डांस करने वाले हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। तो आई फील रियली लकी दैट यू नो ही कॉल्स मी फॉर हिज वर्क। आपने जितने भी उनके सॉन्ग्स कोरियोग्राफ किए वो एक सिग्नेचर स्टेप बन चुका, और अभी भी जो आपने नाच मेरी जान कोरियोग्राफ किया वो भी एक सिग्नेचर स्टेप ऑलरेडी हो चुका, सो कितना बेटर फील करती है? बहुत बेटर फील करती है। वेरी हैप्पी, खुशी ये होती है कि क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है और जब वो एक स्टेप करते हैं, जब उन्हें लगता है कि ये स्टेप सही है और वो करते हैं, तो पूरी दुनिया को वो स्टेप करना होता है। तो आई फील वेरी लकी व्हेन यू नो एक तो सलमान सर वो स्टेप कर रहे हो, फिर पूरी दुनिया वो स्टेप कर रही है। और जब मुझे मैसेजेस कॉल्स और ईमेल्स आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से कि ये स्टेप कर रहे हो, लोग वीडियोस भेजते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि जो हमने सोचा, जितनी मेहनत की, मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, तो वो मेहनत सफल हो गई। जब आप वहाँ शूट कर रहे थे तो सुना था कि काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था बिकॉज वहाँ काफ़ी ठंड थी एंड ऑल, तो कैसा रहा था वो सफ़र आपका? एक्चुअली जो सेट लगा था वो कुछ 11-12,000 फीट ऊपर लगा था, मनाली में सबसे ऊंची पहाड़ी है, वहाँ पर मंदिर बनाया था। और वहाँ पे ऐसा होता है कि 1.5 घंटे का ट्रैवल होता है ऊपर की तरफ और उसके बाद आसमान बादल पूरे नीचे आ जाते हैं, तो 1 घंटे का मुश्किल से टाइम मिलता है। वो 1 घंटे में हमें 1 से 1.5 घंटे के फ्रेम में वहाँ का काम ख़त्म करना। डांसर्स थे बहुत सारे हमारे पास, कुछ 150-200 डांसर्स, पूरा यूनिट है, तो कम से कम 1500-2000 के करीब लोग हैं। सबको लाना और उसके बाद वो 1-2 घंटे के बीच में उसको काम को करके निकालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बजट बहुत हाई हो जाता है। वैसे भी 1 दिन का काम हम 3 दिन करना पड़ता है क्योंकि हमें 1 घंटा मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ सलमान सर वी कुड यू नो अचीव दैट बिकॉज ही यूज़ टू कम एंड वो रिहर्सल नहीं करते हैं, बस यूँ देखा स्टेप करके और इतनी एनर्जी के साथ करते हैं कि बस हो गया काम, तो हम भी हैरान हो जाते हैं इतनी मेहनत। लेकिन देन वी यू हैव अ स्टार लाइक सलमान खान, देन काम और आसान हो जाता है। देन यू हैव अ डायरेक्टर हु सो क्लियर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग, और वो हमें एज ए कोरियोग्राफर मुझे हमेशा यू नो ही इज़ जैसे वेरी गुड गो अहेड। तो जब कोई आपके बैक पीछे इतना बड़ा सपोर्ट है जो आपको बताया जा रहा है कि वेरी गुड शॉट नेक्स्ट शॉट, तो देन मैं और ज़्यादा बेहतर करने लगती हूँ, टीम और बेहतर करती है। डिफिकल्ट इट वॉज टू कोरियोग्राफ सलमान खान बिकॉज इज़ ए नॉन डांसर, और जैसे कि उनका सिग्नेचर स्टेप हो ही जाता, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट? दैट इज़ अ नॉन डांसर, वाई पीपल आर थिंकिंग ही इज़ नॉन डांसर, गलत कॉन्सेप्शन, ये वो नॉन डांसर नहीं है, बेहतर आप ही बता रहे हैं। ही इज द बेस्ट डांसर वी हैव बिकॉज यूं ही स्टेप कर लेते हैं, उन्होंने अपना एक डांस फॉर्म इन्वेंट कर लिया है जिसे कहते हैं सलमान खान फॉर्म ऑफ डांस। तो डोंट यू लाइक व्हेन ही डांसेस? दैट मींस इज अ गुड डांसर, सिंपल। जिसके भी डांस को देखकर आपको सेम थिरकने का दिल करे, मतलब वो बहुत अच्छा डांसर है। तो आपके ऐसे स्टेप्स थे जो उन्होंने शायद चेंज कर दिए हो उसके? वो स्टेप चेंज, आई एम बीन लकी दैट वो कभी स्टेप चेंज नहीं करते, बट हाँ मैं ऑप्शंस में स्टेप्स लेके जाती हूँ कि एक स्टेप को मैंने 5 तरीके से किया है एंड ही विल चूज़ 1, और मे बी ही विल से दैट इसका ये बिगनिंग डाल दो, इसका लास्ट डाल दो, तो ही आई नेवर सी। और जब वो चेंज भी करते तो मुझे पता है कि वो बेस्ट ही होने वाला है। तो आई थिंक ही इज़ वेरी गुड, उनका कोरियोग्राफी का नॉलेज भी बहुत अच्छा है कि इस स्टेप को ऐसे नहीं ऐसे कर देते, तो काम हो गया अच्छा। तो चेंज तो नहीं लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो बीन लकी। थैंक यू सो वेरी मच, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग।
टॉकिंग टू यू शबीना, थैंक यू सो मच। वीडियो जर्नलिस्ट जीवन थापा के साथ नेहा सिंह, चैनल 1 मुंबई।